हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर है, ये 12th पार्ट में है आपका, और जेईई और नीट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली होता है क्या, एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होता है। मतलब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में जाता है, फिर दूसरा पहले फॉर्म में आता है। होता क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल में और केमिकल का एनर्जी इलेक्ट्रिकल में। फिर से बोलो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में, केमिकल में, और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में, इलेक्ट्रिकल में। यही इंटर कन्वर्जन का स्टडी जिस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कम से कम इसका डेफिनेशन अब आप लोग को क्लियर होना चाहिए। वो ब्रांच ऑफ साइंस जहां हम किसका स्टडी करते हैं, इंटर कन्वर्जन किसका, इलेक्ट्रिकल और केमिकल का। तो इसमें देखो तो दो ब्रांच आ गया। एक आया जो इलेक्ट्रिकल से कहां जा रहा होगा, केमिकल में। कहां जा रहा होगा, केमिकल में। यानी इलेक्ट्रिकल टूट के क्या बन रहा है, केमिकल। ऐसे सोचो, इलेक्ट्रिकल से अगर बाय द वे इलेक्ट्रिकल का इंटर कन्वर्जन हो रहा है केमिकल में, ऐसे सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टूट रहा है। टूटने को क्या बोलते हैं, लाइसिस। टूटने को क्या बोलते हैं, लाइसिस। तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टूटना और केमिकल एनर्जी का बनना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जिस एपरेटस में होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दूसरा देखो, एक क्या होगा इसमें कि केमिकल एनर्जी किस में जा रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कहाँ जा रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बताओ केमिकल एनर्जी कहाँ बन रहा होगा, किसी केमिकल रिएक्शन में, और वो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा चीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और ये जहाँ होता है, ये जिस एपरेटस में होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो फिर से बोलना, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? वो ब्रांच ऑफ साइंस जहां पे हम किसका स्टडी करते हैं, इंटर कन्वर्जन किसका, इलेक्ट्रिकल और केमिकल का। इतना क्लियर हो गया। इसमें दो ब्रांच, एक बार इलेक्ट्रिकल से केमिकल में जा रहा हो तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब केमिकल एनर्जी किस में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और जहां पे होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहां देखना, ये जो हमने आपको बताया कि व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने क्या बोला जी, वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम स्टडी किसका करते हैं, कहता है विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा एकदम बड़े अच्छे से, क्या बोले, वो ब्रांच ऑफ साइंस जो किसको डील करता है, इंटर कन्वर्जन किसका, इलेक्ट्रिकल और केमिकल का जो आदान प्रदान होगा, एक दूसरे में इंटरचेंज होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इतना क्लियर है? अब सुनो, ये कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है ये दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कंसंट्रेशन सेल और एक होता है आपका गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल ही बहुत तरह का, आपको थोड़ा थोड़ा सा उसमें उसके कंस्ट्रक्शन में बदलाव होता है, और ये लेकिन एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है। गैल्वेनिक सेल को हो, वोल्टाइक सेल को हो, या केमिकल सेल को। तो हमें जो पढ़ना है हमारे सिलेबस में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, और एक पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। फिर से बोलना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या बोले, वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम इंटर कन्वर्जन किसका इसका स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में और केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, यानी इसका इंटर कन्वर्जन का स्टडी कर रहे। तो इसमें दो ब्रांच आ गया, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में जाना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, और जहां होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और इस जहां पे होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये मेनली दो तरह का, कंसंट्रेशन सेल और गैल्वेनिक सेल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।
चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, कभी भी जो अगर लिखना हो तो हम जैसे साइड हुए वहाँ पे रोक के और बिल्कुल लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब कहता है वही जो हमने आपको बताया अभी, जो डेफिनेशन कहा था, पढ़ो एक बार मेरे साथ। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आप पेन का कलर बदल लें। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें दो ब्रांच था, क्या बोले, एक था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बन रहा था, केमिकल एनर्जी। यहाँ ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बन रहा था, केमिकल एनर्जी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और जहाँ होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसे सोचना, लाइसिस मतलब टूटना। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कहाँ जा रहा है, केमिकल एनर्जी। ऐसे सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा टूट के क्या बन रहा है, केमिकल एनर्जी। इसी को याद करने का ये हमने आपको तरीका बता दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जहां होता है, इट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये होता है जहां पे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आई थिंक ये क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें, केमिकल एनर्जी में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, और जहां होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दूसरा आ जाओ, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जहाँ पे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और ये जहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर से देखना, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नाम लिखने का तरीका क्या होता है कि जहाँ जाता है उसका आगे का वर्ड, तो आगे का वर्ड क्या था, इलेक्ट्रो। कहाँ से आया था, केमिकल से, तो जोड़ दो केमिकल, बन कह रहा था रिएक्शन में, तो इसीलिए इसका नाम हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और जिस एपरेटस, जिस बर्तन में को हो, या जिस जो भी आपका इक्विपमेंट से जहाँ पे वो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। रोक के लिखना होगा, ढंग से लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको समझ, अच्छा हाँ ये बताना था, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें, सॉरी केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें, इलेक्ट्रिकल में। हमने कैसे नाम बोला था, बोलो, जहां जा रहा है वहां से थोड़ा सा उसका आगे वाला कुछ प्रेफिक्स वाला वर्ड उठाओ, तो प्रेफिक्स वाला क्या है, इलेक्ट्रो। आ कहां से रहा था, केमिकल से। कहां से आ रहा था, केमिकल रिएक्शन से, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और ये जहां होता है, अभी अभी आपने सीखा, इट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये किसमें होता है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। ठीक है, रोक के इसको ढंग से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखना ये सीरीज, इसको हम लोग शॉर्ट में ECS बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सुनना, ये बहुत ही आज के डेट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे आप एक दो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही निकाल लोगे 50 ऑब्जेक्टिव में। कैसे, पहले एक चैप्टर हुआ करता था मेटलर्जी, ठीक है, उसमें एक टॉपिक हुआ करता था एलिंगम डायग्राम। अब उसे हटा दिया गया, तो एलिंगम डायग्राम का कंसेप्ट और इसका कंसेप्ट से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पकड़ा जाता था। अब चूंकि वो है नहीं, तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया, किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने से पहले एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिडॉक्स का कंसेप्ट देख लेते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन शायद आप लोग को हम एक बार बता चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखो, फिर से देख लो। देखो रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ चीज हम आपको याद करवा देते हैं, वो याद करवाने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहला टर्म बोलो, चार्ज पर एटम। चार्ज पर एटम को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कहो या ऑक्सीडेशन नंबर कहो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। ठीक है, चार्ज पर एटम, बोलो कहीं भी किसी पे एक एटम पे जो भी चार्ज होगा, चाहे वो फ्री स्टेट में रहे, चाहे कंबाइंड स्टेट में रहे, कहीं भी रहे या आयन के फॉर्म में रहे, उस पर जितना चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सुनना, यहाँ दो प्रोसेस होता है रिडॉक्स में। रिडॉक्स में देखो नाम से ही क्लियर है, रेड और ऑक्स, इसमें दो प्रोसेस होता है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, दोनों साथ साथ होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है, सुनना, ये जो चार्ज है, अगर चार्ज आपका बढ़ेगा तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कह सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। फिर से बोलो, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना रिडक्शन, और चार्ज पर एटम को क्या बोले ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां देखना, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, ओके, इसको थोड़ा सा, चलो यहां देखो, इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान देना, यहां ध्यान देना। देखो तो यहां पे जिंक का चार्ज आपको जीरो से दिखाई दे रहा है, कहां से आ रहा है प्लस टू में, जीरो से कहां गया प्लस टू में, और कॉपर आपका प्लस टू से कहां जा रहा है जीरो में। तो अभी अभी हमने आपको सिखाया चार्ज का बढ़ना, चार्ज का बढ़ना क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो जिंक जीरो से प्लस टू में गया, बोलो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्या हुआ ऑक्सीडेशन। चार्ज का घटना को क्या बोले, घटने को रिडक्शन। ऐसे भी याद रखना, कोई भी चीज अगर घट रहा है तो उसको क्या बोलते रिड्यूस होना यानी रिडक्शन। तो यहां पे चार्ज घटा कॉपर का, कॉपर टू प्लस का क्या हुआ रिडक्शन। ये दो चीज क्लियर है। अब यहां देखो, एक होता है एजेंट, एजेंट मतलब होता है, अब हिंदी में समझो, पहले एक वर्ड लिख देते हैं रीजन टू वर्क, मतलब काम करवाने वाला, काम करवाने वाला, काम करवाने वाला, कोई भी चीज जिसके कारण, कोई भी पर्सन जिसके कारण आपका कोई काम हो जाए दैट इज कॉल्ड एजेंट। जैसे मान लो टिकट कोई आपका व्यवस्था करके दे दिया, उसको कहते हो टिकट एजेंट, ट्रेवलर एजेंट, ये सब बोलते हैं। तो एजेंट वर्ड उसके लिए आता है जिसके कारण कोई भी काम संभव हो पाता है, पॉसिबल हो पाया, जो आपसे नहीं हो पा रहा था उसको क्या बोलते हैं एजेंट। यहाँ पे दो तरह का एजेंट होता है, एक को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो एजेंट मतलब बोले क्या बोले, काम करवाने वाला, यहाँ पे क्या काम करा रहा है ऑक्सीडेशन, यानी कह सकते हो काउजेज ऑक्सीडेशन, काउजेज ऑक्सीडेशन। हम हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख दे रहे ताकि उसको समझने में दिक्कत ना हो। तो ऐसे सोचो ऑक्सीडेशन करवाने वाला, ऑक्सीडेशन करवाने वाला, इसको हमने क्या बोला ऑक्सीडेशन। सेम चीज यहां जाओ, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब काउजेज रिडक्शन, काउजेज रिडक्शन, यानी कह सकते हो रिडक्शन करवाने वाला, रिडक्शन करवाने वाला, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, एक मैं लाल पेन देखता हूं, ओके चलो इसको समझने की कोशिश करें, एकदम ढंग से समझना इस चीज को। ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं, इस वीडियो को आप दो बार, तीन बार, चार बार बैक करके देख लेना। बोल लो, बोलो चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना रिडक्शन। फिर से बोलो, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना रिडक्शन। ऐसे भी कह सकते हो ब्लैक वाले का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, रेड वाले का क्या हुआ रिडक्शन, रेड वाले का क्या हुआ रिडक्शन। तो अब बोलना, ऐसे भी तो मान सकते हैं ब्लैक के कारण रेड का रिडक्शन, ब्लैक के कारण रेड का रिडक्शन। तो ब्लैक क्या बना रिडक्शन करवाने वाला, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि इसका खुद का क्या हुआ था ऑक्सीडेशन, खुद का क्या हुआ था ऑक्सीडेशन। तो दिमाग में बैठा ले, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझो, फिर से समझो। बोलो चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना रिडक्शन, ब्लैक वाले का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, रेड वाले का क्या हुआ रिडक्शन। यानी ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ब्लैक के कारण रेड का रिडक्शन, यानी ब्लैक बना रिडक्शन करवाने वाला, यानी कौन सा एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, बोलोगे जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसका जो खुद जाएगा सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन वो क्या कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद अंडरगोज, जो खुद जाएगा रिडक्शन में उसका होगा, वो खुद बनेगा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम उल्टा कंसेप्ट, फिर से समझो एक बार, फिर से समझना। जिंक जीरो से कहां गया प्लस टू में, इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, इसका खुद का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, लेकिन ये इसके कारण कॉपर का क्या हो रहा है बोलो। जिंक खुद गया ऑक्सीडेशन में, लेकिन जिंक के कारण कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी ये जो जिंक है ये बना रिडक्शन करवाने वाला, मतलब कैसा एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट।
अब इस कॉपर टू प्लस को बोलो, कॉपर टू प्लस खुद कहां गया, रिडक्शन में। लेकिन अगर ये नहीं रहता तो जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो जिंक का ऑक्सीडेशन किसके कारण, इस कॉपर टू प्लस के कारण। तो ये बन गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बन गया, रिड्यूसिंग दिमाग, सॉरी कॉपर के कारण जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये बन गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, फिर से बोलो जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग। एकदम दिमाग में बैठा लो, फिर से देख, जैसे मान ले दो पर्सन है, एक हम है एक दूसरा कोई है, ठीक है। अगर मान ले मेरा ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे काउंटर पार्टनर का क्या होगा, रिडक्शन। तो मैं क्या बना, रिडक्शन करवाने वाला, जबकि मेरा खुद का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। मेरा खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो दिमाग में बैठा लो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग। आई थिंक ये क्लियर हुआ, फिर से बोलना, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना रिडक्शन, चार्ज पर एटम को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे दो तरह का एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन करवाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे एक यहाँ पे ये वाला एग्जांपल से देखो, देखो यहाँ जैसे ये जो कॉपर टू प्लस था, कॉपर टू प्लस था, ये जा रहा था कॉपर में, तो बोलो यहाँ चार्ज घटा, तो चार्ज का घटना रिडक्शन, चार्ज का घटना रिडक्शन। और जब ये इसका रिडक्शन हुआ तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से देखना जिंक का, देखो जिंक जो था जब ये जेड एन टू प्लस में जा रहा तो ये दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो यहाँ देख इसका क्या हुआ, चार्ज बढ़ा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, यहाँ देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एकदम बड़े अच्छे से आपको मुँह ज़बानी याद कर लेना है। देखो आपको मतलब हम जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रहे हैं इसमें सारा आपका एलिमेंट नहीं है, जो है अवेलेबल आज के डेट में सीरीज में वो नहीं है, बट आपका काम बन जाएगा, मतलब इससे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जितना भी क्वेश्चन है उसमें दिक्कत नहीं होगी। चलो देखना कहाँ कहाँ हमने क्या बोला, इसका मेमोरी ट्रिक, यहाँ देखो मेमोरी ट्रिक याद करोगे जो हम यहाँ लिख रहे, लेट प्रोफेसर BCS किसी का नाम है और टाइटल है मैजेंटल, मैजेंटल बोलो एक बार, लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर और क्वाइनेज मेटल, तीन होता है, कौन कौन, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो कॉपर यहाँ पे सिल्वर ले लिया और यहाँ पे गोल्ड ले लिया। अब एक काम करो, हैलोजन को उल्टा बैठा दो, तो फ्लोरीन, याद रखना क्लोरीन और ब्रोमीन को एक साथ रखोगे और यहाँ आयोडीन, बस इतना ही काम है, इतना में आपका काम चल जाएगा। फिर से बोलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल, हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड और हैलोजन को उल्टा बैठा दो। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो लेट से लिथियम, प्रोफेसर से पोटासियम, BCS बेरियम कैल्शियम सोडियम, मैजेंटल मैग्नीशियम अल्युमिनियम जिंक आयरन निकेल टीन लेड हाइड्रोजन। देखो इसके बीच बीच में कुछ एक एलिमेंट है, बट हमने आपको इस तरह से ट्रिक बनाया जो आपको जल्दी से याद हो जाए। इसका देखो रिडक्शन पोटेंशियल, देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया रहेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा -3.05 वोल्ट। हाइड्रोजन आते आते ये वाला पोटेंशियल आपको हो जाएगा जीरो वोल्ट, ये वोल्ट में है, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इंक्रीजेस। उसी हाइड्रोजन को हम यहाँ ले लिए ताकि आपको जब नोट्स बनाना तो एक एक सीध में लिखना, कॉपी में कोशिश करना कि एक सीधा लिखो, एक ही पेज में पूरा लिखो, क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए हमने आपको ऐसा दिखा दिया। यहाँ जीरो, इस तरह से आते आते यहाँ तक आओगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल +2.87 वोल्ट में दिखाई देगा, यानी ऊपर से नीचे आ रहे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है, तो ये सीरीज शायद याद हो गया होगा। चलो बोलो एक बार फिर से,
लेट प्रोफेसर बीसीएस मैजेंटल हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, हाइड्रोजन को उल्टा बैठाओ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक साथ और आयोडीन, ठीक है, एक बार बैठा लीजिए, याद हो जाएगा। अब आ जाओ इसका एक्सप्लेनेशन, मेन चीज़ है इसको समझना, ये आखिर बता क्या रहा है, इससे हमको क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा, तो समझना। इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, किसका, लिथियम का सबसे कम है, और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस में सबसे ज़्यादा है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, जीरो। इसका मतलब समझो, एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझना, याद रखो, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो पोटेंशियल मतलब याद रखना ताकत, हम ये बोलचाल की भाषा में समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि लिटरल मीनिंग वही होता है, लिटरल मीनिंग नहीं है, अपनी बोलचाल की भाषा में समझो, पोटेंशियल मतलब क्या बोले, ताकत। जैसे बैटरी देखते हो, छोटा बैटरी है पोटेंशियल कम है तो कम ताकत है, बड़ा बैटरी है तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो ताकत क्या है, ज़्यादा। तो लिटरली समझो, ऐसा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, पोटेंशियल मतलब क्या है, ताकत। रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम है यानी रिडक्शन में जाने का ताकत क्या है, कम। हम हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके दिखा देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब बुक्स में नहीं मिलता एक्सप्लेनेशन, इसको समझिएगा। लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इसको कह सकते हो रिडक्शन में जाने का ताकत, जाने का ताकत कम है। अब बोलो तो रिडक्शन में जाने का ताकत कम है तो ऑक्सीडेशन में जाने का ताकत, ऑक्सीडेशन में जाने का ताकत ज़्यादा होगा। अरे जब रिडक्शन में कम है तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब बोलो एक ताकत कम था तो दूसरा ताकत ज़्यादा हो गया, कौन सा ताकत ज़्यादा हो गया, ऑक्सीडेशन वाला, बोलो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें कौन सा ताकत ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन का, तो किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में, कहोगे सो इट विल अंडरगो, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन में जाएगा, और जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो क्या कहलाता है, सो इट विल बी, जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलो इसका एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे अभी अभी हमने देखा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम कितना था, ये था -3.05 वोल्ट, जो कि सबसे कम था, मिनिमम था। तब बोलो जी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, बोलना रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, रिडक्शन में जाने का ताकत कम है, तो किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में, और जो ऑक्सीडेशन में जाएगा वो कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और चूंकि ताकत सबसे कम है तो ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सो लिथियम जो होगा ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये समझ में आया, चलो फिर से बोलना, लिथियम का रिडक्शन में जाने का ताकत सबसे कम है तो रिडक्शन में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में, और जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो कैसा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। चूंकि इसका ताकत सबसे कम था तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। चलो यानी यहाँ पे आपको मिल गया कि लिथियम जो होता है ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ मिल गया, ठीक। अब आ जाओ फ्लोरीन का समझो, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है यानी रिडक्शन में जाने का ताकत ज्यादा है, तो ये खुद जाएगा रिडक्शन, जो रिडक्शन जिसका होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या मिल गया, ये मिल गया मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए आइए इसको समझा दें, हाइयर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल यानी रिडक्शन में जाने का ताकत ज्यादा है, रिडक्शन में जाने का ताकत ज्यादा है, और रिडक्शन में जाने का ताकत अगर ज्यादा है तो ये रिडक्शन में ही जाएगा, कहता है सो इट विल अंडरगो रिडक्शन, ये खुद जाएगा रिडक्शन में,
और जो रिडक्शन में जाता है वो कैसा एजेंट बोलो, इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा कंसेप्ट, जो रिडक्शन में जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये मेरा कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा होगा। ये समझ में आया? अब बोलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। वही बोला फ्लोरीन, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन बोलो ये कितना था, +2.87 वोल्ट। कितना था जी, +2.87। ये कैसा है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि इसका खुद का रिडक्शन होगा, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्लोरीन की बात करते हैं ये होगा मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब एक काम कीजिएगा, सुनिए, सबसे पहले इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एकदम रोक के ढंग से लिखिएगा, पूरा कोशिश कीजिएगा एक पेज में लिखने का। एक बार ट्रिक फिर से बोलो, लेट प्रोफेसर पीसीएस बैजिंटल, उसके बाद हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, और उल्टा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, एक बार लिखिए आपको याद हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन हम आपको पूरा का पूरा अभी बताते हैं। दो चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सप्लेन करेंगे हम, साइड हो गए, इसको रोक करके लिख लीजिएगा। सेम चीज़ इसका हमने अभी तक दो एक्सप्लेनेशन बताया है, इसको भी रोक के आप लिख लीजिए, रोक के लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसका थर्ड एप्लीकेशन समझना। जैसे ये वाला जो रिएक्शन है एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल में होता है, यही रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ होता है, गैल्वेनिक सेल में। फिर से बोलो, यहाँ चार्ज बढ़ा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, कॉपर में +2 से 0 में गया, चार्ज घटा, चार्ज का घटना रिडक्शन। गौर से देखो तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ देखो तो जिंक का पोजिशन यहाँ पे, यहाँ मैजेंटल में, और कॉपर नीचे, कॉपर कहाँ है, नीचे। यानी कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा यहाँ पे प्लस में होगा, कुछ होगा ना, और जबकि इसका यहाँ पे देखोगे जिंक का कैसा होगा, माइनस में होगा, जीरो से कम वाला में। यानी कह सकते हो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ये अपने से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे कॉपर को उसके साल्ट सोल्यूशन से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ये चीज़ समझना ढंग से, क्या बोले ढंग से समझना। देखो यहाँ जिंक ने क्या किया, कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन यानी साल्ट सॉल्यूशन से क्या किया, हटा के कॉपर में डिपॉजिट कर दिया। तो इसी चीज को समझना है, क्या कहोगे, एलिमेंट हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लाइक कॉन जिंक डिस्प्लेसेस एलिमेंट हैविंग हाइयर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हाइयर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लाइक कॉपर 2+ आयन फ्रॉम दियर साल्ट सॉल्यूशन, उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस करके कहाँ दिया, कॉपर को सॉलिडिफाई यानी कहीं डिपॉजिट कर दिया। यही मेन चीज है जो किताबी ये शब्द है, जो कि किताब वाला शब्द है, जो उसको मैंने लिख दिया। यानी ऐसे कह सकते हो जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सजाया है उसमें ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। यानी कह सकते हो, इसको हम स्टार मार करके लिख दे रहे हैं, ऊपर वाला एलिमेंट जैसे कौन, लाइक जिंक, नीचे वाले एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। यही मेन चीज है,
चलो इसको फिर से समझो, इसको एक हम और हिंदी में कुछ यहां पे लिख देंगे। जिंक कहां था? ऊपर। कॉपर कहां था? नीचे। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सजाया, लेट प्रोफेसर बीसीएस मैजेंटल हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, इसमें जिंक का पोजीशन कहां है? ऊपर। और कॉपर का कहां है? रिडक्शन, मतलब नीचे। ऐसे भी समझना, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन और नीचे वाले का रिडक्शन, जितना लॉ बताया उसके बेसिस पे गौर से देखना। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी दो एलिमेंट ले लो, दो एलिमेंट रिएक्शन में तभी भाग लेगा जब ऊपर वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और नीचे वाले का क्या होगा? रिडक्शन। तभी ये केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ऊपर वाले एलिमेंट जैसे कौन, लाइक जिंक का ऑक्सीडेशन, का ऑक्सीडेशन एंड नीचे वाले एलिमेंट, नीचे वाले एलिमेंट जैसे कौन, लाइक कॉपर का रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। चलिए इसको ठीक से लिख लीजिएगा, तो दिमाग में बैठाओ, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन और नीचे वाले का रिडक्शन। ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। चलो एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, ये पांच एलिमेंट दे रखा है, कहता है अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम दियर साल्ट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, इसको समझना। हमने क्या कहा? ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेगा? धक्का देके हटा देगा। यानी सबसे पहले कौन निकलेगा? जो सबसे नीचे है। ऊपर वाला नीचे वाले को धक्के देके हटा रहा है, तो सबसे पहले कौन निकलेगा? जो सबसे नीचे। तो बोलो सबसे नीचे कौन? हमने क्या सिखाया? लेट प्रोफेसर बीसीएस मैजेंटल, मैजेंटल को गौर से देखना, एम ए मैजेंटल, ये जिंक और ये आयरन, आई से आयरन। और नीचे था हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, नीचे कौन था? हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो बोलो कॉपर सबसे नीचे है, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? कॉपर का। कॉपर के बाद बोलो मैजेंटल, मैग्नीशियम है, अल्मीनियम है, जिंक है, आयरन है, आयरन का होगा, तब जिंक का होगा, तब अल्मीनियम का होगा, और सबसे लास्ट में कौन? मैग्नीशियम। लेकिन यहां समझना, ये होगा डिस्प्लेस्ड एट फर्स्ट, सबसे पहले इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक। अब यहां देखो, ये जो मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है आपका, इसको समझना, ये मैग्नीशियम जो है ये डिस्प्लेस नहीं होगा, ये रिमेन्स इन सॉल्यूशन, रिमेन्स इन सॉल्यूशन। इसका अच्छा ऐसे लिखता, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बोलो क्यों? ऐसा क्यों? समझना, अभी अभी समझाया था, यहां पे क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में दो काउंटर पार्टनर होना चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन और नीचे वाले का रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है वही ना डिस्प्लेस होता है। तो बता, लास्ट में जब मैग्नीशियम सबको डिस्प्लेस कर दिया तो बचा तो अकेले ना, तो इसको डिस्प्लेस करने वाला कोई नहीं है, इसको डिस्प्लेस करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फिर से बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। हमने क्या बोला कि जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसका क्या होना चाहिए? रिडक्शन। तो कोई तो होना चाहिए जो उस रिडक्शन करवाएगा, कोई तो होगा जो रिडक्शन करवाएगा, तो कोई है ही नहीं, इसीलिए इसका रिडक्शन नहीं होगा। मतलब कह सकते हो, इसका मतलब इसका रिडक्शन करवाने वाला कोई नहीं है, इसका रिडक्शन करवाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलिए अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दें, चलिए इसको ढंग से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने आज पूरा का पूरा क्या पढ़ा? थोड़ा सा
सारा का सारा इसका जो आपका डेफिनेशन वाला टर्म था, स्टार्ट किया हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेफिनेशन वाला पार्ट बताया, इसमें कौन कौन सा इंटर कन्वर्जन होता है तो कौन कौन सा ब्रांच है, वहाँ डेफिनेशन हमने देखा। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें एक्चुअल में पढ़ना था कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है। उसी सेल में पहले हमें क्या पढ़ना था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले हमने रिडॉक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट देखा और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर से बोल लेना, लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल, मैग्नीशियम अल्युमिनियम जिंक आयरन निकेल टीन और लेड, इस तरह से अरेंज कर लो, एक बार लिख लो, सदा के लिए याद हो जाएगा। बोल लो लेट प्रोफेसर BCS मैजेंटल हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, और उल्टा चलो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट आ जाओ, हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करा, ये सब चीज़ किताब में ढंग से नहीं लिखा रहता है, इसको दो बार आप वीडियो देखो। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और खासकर ऑब्जेक्टिव में, हम आपको बार बार कह रहे हैं 50 ऑब्जेक्टिव में से दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पकड़ा जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला थर्ड पॉइंट था, क्या था थर्ड पॉइंट, फिर से बोलो, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर सकता है, या ऐसे कर सकते हो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन और नीचे वाले का रिडक्शन। तो कोई भी अगर एलिमेंट का सीरीज दिया रहेगा तो सबसे पहले कौन डिस्प्लेस करेगा, जो सबसे नीचे था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो उस तरह से ये हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जो आपके NCERT में। चलिए तो हमारे साथ बने रहिएगा, इस तरह से हम लोग इसको पूरा का पूरा सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए थैंक यू।